श्री यमुना जी की जो यमुना जी का जो मूल स्वरूप है, यमुना जी और यमुना जी के तट का जो मूल स्वरूप है उसको पूरा यह योजना परिवर्तित कर देगी और तटों का जो महात्म्य, यमुना जी का भी जो महात्म्य है और उसकी जो गरिमा है वो इससे खंडित होती है। व्रज के जितने भी प्रदेश हैं वो पूरा व्रज का जो क्षेत्र है वो भगवान की दिव्य लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है और हम लोगों की उससे आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए व्रज की यह जो संपदा है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। व्रज के वृक्षों का विनाश हो रहा है, व्रज के पर्वतों का विनाश हो रहा है, व्रज के जो सघन वन थे वो आज देखने को नहीं मिल रहे हैं और श्री यमुना जी में भी कितना प्रदूषण है। आज हमने यमुना पान किया तो पानी में, यमुना जी के जल में केमिकल का स्वाद आ रहा था। यमुना जी में पुष्कल अतिशय प्रदूषण उसमें है और ऊपर से यमुना जी का जो यह तट प्रदेश उसको भी, उसकी भी सुंदरता और उसका भी महत्व छिन्न भिन्न करने के लिए जो ब्रिज की योजना है वो बहुत ही गलत है और हम सभी इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं और इस काम को रोकना चाहिए। जो भी सच्चा भगवान का भक्त होगा वो इस कार्य को रोकने में सहयोग देगा और सभी भगवान के भक्तों को इसमें, इसको रोकने में सहयोग देने के लिए हम हार्दिक हमारे तरफ से अनुरोध करते हैं और सरकार से भी कहते हैं कि सरकार का भी कर्तव्य है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम, ये हमारे दो मर्यादा पुरुषोत्तम और पुष्टि पुरुषोत्तम दो अवतार हैं, उनकी लीला स्थली क्रीड़ा स्थली का महत्व बराबर अक्षुण्ण बना रहे यह देखने का सरकार का भी कर्तव्य है। प्राचीन स्थानों की प्राचीनता बनी रहे ये देखने का सरकार का भी कर्तव्य है। तो सरकार भी इस दिशा में ध्यान देगी ऐसी हम आशा रखते हैं।